बुधवार को कस्बा कोसीकला के श्री रामलीला संस्थान के चुनाव की प्रक्रिया दोपहर 4 बजे से भरत मिलाप चौक स्थित भगवान श्री हनुमान जी महाराज के ध्वज के नीचे गणमान्य नागरिकों एवं रामलीला संस्थान के संयोजक एवं संरक्षक मंडल के सदस्य और रामलीला के प्रमुख पंचों की उपस्थिति में प्रारंभ की गई। कस्बा कोसीकला में श्री रामलीला संस्थान के चुनाव की प्रक्रिया स्थगित की गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन की किसी भी प्रकार की हंगामे की स्थिति को देखते हुए व्यवस्था की गई, जहां पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं खुफिया विभाग प्रत्येक गतिविधि पर नजर बनाए हुए था। चुनाव प्रक्रिया के प्रारंभ में चुनाव की अध्यक्षता भीमराज अग्रवाल को सौंपी गई, जिसके बाद भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए अध्यक्ष पद के दावेदार के नाम दाखिल किए गए, जिसमें 11 लोगों ने अपनी उपस्थिति दावेदार के रूप में दर्ज कराई। लेकिन जब नाम वापसी की बात आई तो सिर्फ एक प्रत्याशी मनीष अग्रवाल द्वारा अपना नाम वापस लिया गया, बाकी किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया, जिसको देखकर चुनाव के अध्यक्ष और पंच किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में असमर्थ रहे। काफी देर तक जद्दोजहद की स्थिति मौके पर बनी रही। इस दौरान रामलीला संस्थान के पूर्व अध्यक्ष द्वारा 3 वर्ष पूर्व बने अध्यक्ष अजय पाल ठाकुर पर 2,20,000 रुपए के गबन का आरोप लगाया, जिसका खुलासा अजय पाल ठाकुर मौके पर मौजूद कोसीकला की जनता एवं अध्यक्ष पद के दावेदार और रामविलास संस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों के समक्ष किया, जिसमें अजय पाल ठाकुर ने 2,20,000 रुपए और एक चांदी की चौकी मौके पर मौजूद प्रमुख पंचों के हाथ में सौंप कर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और कहा कि पूर्व अध्यक्ष की कमेटी द्वारा जो आरोप लगाए गए थे वह बिल्कुल गलत हैं, बल्कि उनके द्वारा ही भगवान श्री राम दरबार के सिंहासन के निर्माण के दौरान हुए उद्घाटन में राष्ट्रीय संत का अपमान किया गया था। चुनाव की प्रक्रिया करीब 7 बजे किसी भी निर्णय को ना लेते हुए चुनाव अधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई, जिसका निर्णय आगामी आने वाले समय में चुनाव अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। बार बार उसका बखान चल रहा था कि 2,20,000 रुपए ठाकुर अजय पाल जीत पा रहा है, अजय पाल जीत पा रहे उसके पीछे कारण क्या रहा, वो 2,20,000 रह क्यों गए उन पर। मैं जगदीश पंडित जी से बोलूंगा, बाबा सुनने तो आ जाएंगे क्या, 2,20,000 में से 30,000 रुपए रजिस्ट्रेशन हेतु दिए गए, 10,000 रुपए उसकी फाइल तैयार हो आना जाना मार्ग में चार पांच चक्कर लगे उसमें खर्च हुए, 49,000 रुपए का इस समय यहाँ चांदी का सिंहासन आने वाला उसका प्रसाद आया, ये 44,900 रुपए इसमें से 1,75,100 रुपए रह गए, बैंक ब्याज में दे रहा हूँ 15,750 रुपए। रामलीला संस्थान के चौहान आपको भवन में मीटिंग हुई तो झंडा के नीचे और उसमें 10 वो रह गए वो कहा प्रत्याशी और 11 पंच चुन दिए गए। किसी वजह से अध्यक्षता जो अध्यक्ष बनाया था वो चला गया कई कारणवश, अभी पता नहीं कैसे गया और इसलिए अब फैसला सुरक्षित रख दिया है। इस फैसले को 2-1 दिन में हम अपने आप सुना लेंगे, प्रक्रिया वही रही। ये मामला 3 वर्ष पूर्व एक चांदी का सिंहासन निर्माण कराया था, मेरी कमेटी के सहयोग से, पूरे सहयोग से, वो बस्ती माता के सहयोग से वो निर्माण हुआ। उस दिन चूंकि उसका पूजन होना था, पुरानी कमेटी की हट धर्म था, उसको एक संत का अपमान उन लोगों ने किया, तो उन्होंने जो 120 वर्ष की आयु के गणेशदास जी महाराज कांवर वाले आए थे उन्होंने सिंहासन पूजन के लिए ना देकर, चूंकि वो पैसा संस्था का था, जब हम पूजन करते हिसाब देते हम उस पैसे को उनको प्रदान करते, जब चूंकि वो संस्था आई नहीं उस लेने के लिए तो हम उस रुपये को कहाँ देते। मेरा ये संकल्प था मैं किसी व्यक्ति को ना दे करके मैं इस जो हनुमान जी का झंडा जहाँ है जहाँ चुनाव होता है मैं उस समाज के सामने प्रदान करूँ। उस समय से आज वो शुभ दिन आया है, वो मैंने 2,20,000 रुपये और मैंने अपने परिवार की तरफ से एक चांदी की चौकी लगभग 1.25 किलो वजन की मैंने संस्था के लिए प्रदान की है।